फैजल, 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 ओ सारी कॉटन बर्ड्स गिर गई। हाय 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 मफू मफू मफू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो जो है वो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पर। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये क्वेश्चंस किए हैं कि आप अपनी कैट्स की ग्रूमिंग कैसे करते हैं, उनके बाल इतने सिल्की कैसे हैं। तो आज हम लोग इसी पे ही वीडियो बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या टिप्स यूज़ करती हूँ, किस वजह से मेरी कैट्स के बाल अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि उनकी जो कैट्स हैं ना, उनके बाल जो हैं क्लॉट्स बन जाते हैं। तो अगर तो माइनर से क्लॉट्स होते हैं वो तो ब्रशिंग से ही चले जाते हैं, लेकिन अगर ये क्लॉट्स ज़्यादा स्वेयर हो जाएं तो फिर कैट्स को शेव करवाना पड़ता है। और आप इसको मैं जिगी को दिखाती हूँ, आप जिगी को देखें, उसके बालों में उसके इतने बड़े बाल हैं लेकिन उसके एक भी क्लॉट नहीं है, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग करते हैं, हम अपनी सारी कैट्स की बहुत केयर करते हैं। देखें आप, जिकी के बाल माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं और लेकिन एक एक बाल उसका कैसे बिल्कुल नीट क्लीन और बिल्कुल भी इसके कोई बाल जुड़े नहीं हुए हैं। ये जो क्लॉट्स बन जाते हैं इन्हें कहते हैं हेयर मैट्स। तो अगर कैट्स को ये हो जाए, अगर आप कैट्स की प्रॉपर केयर ना करें तो फिर इनको शेव करवाना पड़ जाता है। और समटाइम तो ये भी होता है कि अगर आप कैट्स के इस तरह से मैट्स बन गए, हेयर मैट्स बन गए हैं, तो उसके नीचे उनकी स्किन जो है उस पर फंगस वगैरह हो जाता है और वो इतना इजीली वो उतरते भी नहीं है और कैट्स जो हैं वो थोड़ी लेज़ी हो जाती हैं, अनकंफर्टेबल फील करती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि कैट की आपने ब्रशिंग लाजमी करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कैट्स के लिए एक स्पेसिफिक ब्रश आता है आगे जाके। तो मैं अपनी सब कैट्स की ब्रशिंग करती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि उनके घर में कैट्स के बाल बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप उनकी प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे ना कैट्स की, तो उनके जो बाल हैं वो बहुत कम हो जाएंगे उतरने। लेकिन एक बात याद रखें, जो कैट्स रख रहे हैं, कैट्स का शौक़ है, तो कैट्स को हेयर फॉल होता ही होता है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप 100% कैट्स का हेयर फॉल ख़त्म नहीं कर सकते। बस ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिस वजह से हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। सो इनको ब्रशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, ताकि इनके जो हेयर हैं वो बहुत सिल्की स्मूथ रहें, जो ख़राब बाल होते हैं वो उसी ब्रश के साथ ही उतर के आ जाते हैं। सेकेंडली, कैट इतनी फ्लफ़ी और इतनी क्यूट कब लगती है, उसके बाल कब अच्छे होते हैं, हेयर फॉल नहीं होता, जब हम उनको डाइट अच्छी देते हैं। सो मेक श्योर आपने कैट्स को बहुत अच्छी डाइट देनी है। आपने प्रोटीन अपनी डाइट में, जो कैट्स को आप दे रहे हैं उसमें अपने प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है। बिस्किट्स भी दे रहे हैं तो उसमें आप ये कोशिश ज़रूर करें कि आप इनको होममेड डाइट बना के दे दें। मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, आप वहाँ से दे सकते हैं, या फिर आप इनको दे सकते हैं घर से, सिर्फ चिकन बॉईल करके दे सकते हैं, बोन्स आपने इनको बिल्कुल नहीं देनी है। तो बिस्किट्स भी दें, इनका जो कैट फूड मार्केट से मिलता है उसके साथ आप इनको चिकन और सूप भी दें, ताकि इनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इनकी डाइट जितनी अच्छी रखेंगे उतने ही इनकी अच्छे हेयर जो है ना ग्रोथ होगी, हेयर की ग्रोथ भी होगी और सिल्की स्मूथ होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि कैट्स को मीठा खिला रहे होते हैं, चॉकलेट्स खिला रहे होते हैं, या खुद जो खाया वो भी खिला रहे होते हैं। सो प्लीज़ कैट्स को मीठा मत दें, मीठे से कैट में हेयर फॉल होता है। अब जिगी को बहुत चाय पसंद है,
तो अगर मैं इसको चाय डेली बेसिस पे देने लग जाऊंगी तो इसको भी इसके हेयर की जो है ना शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसको डायरिया भी हो सकता है। सो कैट की आपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, ना तो कैट को कॉन्स्टिपेशन होने देना है और ना ही उसको डायरिया होने देना है। और जब आपकी कैट्स बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है ना, तब भी उनके हेयर फॉल उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर वो हेल्दी नहीं होती, वो ठीक नहीं होती, उनके अंदर कोई मसला होता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ आपने डाइट का ख्याल रखना है। सेकेंड, आपने इनको ब्रशिंग करनी है। अगर आप इनको ब्रशिंग नहीं करेंगे तो ये खुद अपने आप को लिक करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा हेयर जो है ना ये इनके अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से इनके अंदर हेयर बॉल बन जाता है। सो हेयर बॉल ये वॉमिट करके निकाल देती होती हैं मोस्टली कैट्स, लेकिन कभी कभी ये हेयर बॉल जो है वो अंदर ब्लॉकेज भी कर देता है। सो ब्रशिंग आप इनकी रेगुलरली करें। उसके बाद बात आती है कि इनको आपने शावर कैसे देना है। आपने अपनी कैट्स को बहुत नीट क्लीन रखना है, इनको आपने बाथ देना है, आपने मंथ में 1 से 2 दफ़ा इनको ज़रूर नहलाना है। अगर आप इनको विंटर्स में नहला रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जिस दिन अच्छी धूप हो आप इनको सुबह को नहलाएं, वार्म वाटर से अच्छी तरह ड्राई करें और कुछ देर के लिए इनको धूप में लेकर जाएं। ठीक है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और कैट को नहलाने से पहले भी आपने देखना है कि कैट बीमार तो नहीं है, लीजी तो नहीं फील कर रही है। इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला मेरे पास ब्रश है, इनका ये एक स्पेसिफिक हेयर ब्रश होता है, तो इससे मैं अभी जिगी को ऊपर नीचे से इसको ब्रश कर रही हूँ। और इसमें मैं फिर आपको रेगुलर करने की वजह से इसका इतना हेयर फॉल नहीं होता, तो आपको आप यहाँ पे हेजल्स आ जा रही है, आप इसके भी हेयर की ग्रोथ देख सकते हैं। इसको जब मैं इससे ब्रश करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके कितने बाल उतरे हैं। तो जो इनकी शेडिंग होनी होती है वो ब्रशिंग के थ्रू ही हो जाती है, इसलिए आप इसको ये भी लाजमी करें। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको जिकी को ब्रशिंग कर रही हूँ, तो उसका कोई भी कहीं भी बाल जो है ना उसका कोई क्लॉट नहीं बना हुआ, हेयर मैट्स नहीं बने हुए हैं। कैट्स का ब्रश होता है जिससे मैंने इसको ब्रशिंग की है। अब अगर तो आप अपनी कैट्स को रेगुलर ब्रशिंग नहीं करते तो उनके बहुत ज़्यादा हेयर उतरेंगे, लेकिन हम लोग जिगी को करते हैं तो जिगी के ये देखें सिर्फ इतने से बाल उतरे हैं। अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करते रहेंगे ना तो कैट्स के जो हेयर फॉल है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। ये देखिए कितना सा उतरा है, हालांकि मैंने उसकी पूरी बॉडी को ब्रशिंग की है। अब मैं करूंगी जिगी की आइस क्रीम करूंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि हम लोग करते हैं। अच्छा, मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास इस तरह के, ये कॉटन के जो है ना छोटे छोटे पैड्स हैं, कॉटन पैड्स हैं ये ना। वो तो आप नॉर्मल कॉटन ले लें या टिश्यू ले लें। तो मैंने इसको थोड़ा सा वेट कर लिया और अब मैं इससे जिगी की आइस क्लीन कर लूंगी। कैट्स की जिस तरह से हमें हेयर की केयर करनी होती है वैसी कैट्स की आइस की केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैट्स की आइस से काफ़ी ज़्यादा पानी आता रहता है, जिस वजह से इनकी आइस के अराउंड आप देख सकते हैं कि ब्राउन सा कुछ जो है ना एक कुछ इकट्ठा सा हो जाता है ब्राउन से कलर का, और इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सिर्फ कॉटन को गीला करके, कॉटन पैड को, और सॉफ्ट हैंड्स के साथ इसकी आइस की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इससे ये होता, और कैट्स को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि उनकी आईज़ की केयर भी बहुत ज़्यादा करनी है। अगर उनकी आई में कोई किसी किस्म का भी इन्फेक्शन हो रहा है तो फ़ौरन से उसको ठीक करें। इसका फेस दिखाओ जरा पास से, ओह गुस्सा आ रहा है। और जिन लोगों की कैट हेल्दी नहीं होती ना, आप एक तो ये देखें कि आप उनको डाइट क्या दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, और आप ये भी देखें कि आप उनकी डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं कि नहीं। कैट्स की हर 2 से 3 महीने के बाद डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है, किसी अच्छे वेट के पास जाएं और इनकी डिवॉर्मिंग लाजमी करवाएं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एयर क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, वरना एयर माइट्स हो जाते हैं। तो ये कॉटन बर्ड्स हैं, इसके साथ मैं अपनी कैट्स की एयर क्लीन करती हूँ। और कैसे करती हूँ इस पर मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और सब कुछ आपको गाइड करूँगी। और इनके जो नेल्स हैं वो ट्रिम करने होते हैं, इनका स्पेसिफ़िक नेल कटर आता है उसको यूज़ करके, या फिर आपके पास अगर स्पेसिफ़िक नहीं है तो आप घर के नेल कटर से भी इनके नेल्स कट कर सकते हैं। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और जैसे कि मैंने आपको बताया डिवॉर्मिंग भी करवाएं, डिवॉर्मिंग करवाने से कैट जो है वो बहुत हेल्दी हो जाती है, उसकी हेल्थ अच्छी होने लग जाती है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और अगर आपकी कैट बिल्कुल ठीक भी है ना, फिर भी आप किसी अच्छे वेट को मंथ में 1 दफ़ा या
2-3 मंथ्स के बाद अपनी कैट्स को लाजमी वेट के पास, डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि वो इनको एग्जामिन कर सकें कि इनकी हेल्थ कैसी है, ये इनकी इनके साथ कोई इशू तो नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।